और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई। राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती क्षणों में से कुछ समय हम सबके लिए निकाले। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रति बहुत बहुत आभार। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीक्षांत भाषण हेतु विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी एवं राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आचार्यगण, विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थी, इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले आचार्यगण और अभिभावक गण को भी मैं बधाई देती हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। पिछले महीने काशी में देव दीपावली का पर्व भव्यता से मनाया गया है। मुझे बताया गया है कि उस पर्व को 72 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे देशवासियों के साथ यहाँ मनाया है। ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करना भी काशी की एक प्रमुख पहचान रही है। मेरे विचार में विद्यापीठों के लिए काशी सर्वथा उपयुक्त स्थान है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण यह है कि दो दो भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जौन सेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें। हिंदी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। हमारे देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्यों के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के असर में है उनसे हमें विद्या नहीं लेने चाहिए। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किया जाते हैं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। असहयोग को
बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित शास्त्री जी तथा उनके मित्रों ने गांधी जी का भाषण सुनने के बाद काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक है। इस विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, जमुनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे इतिहास निर्माता शामिल थे। यहाँ के असाधारण अध्यापकों की सूची में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और बाबू श्री प्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने के नाम सदैव याद रखे जाएंगे। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारत संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रबल लोकमान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे स्मरण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जिस तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति की जीवनधारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहिका है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कलातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं, ये आप सबका परम सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबको विशेष बधाई देती हूँ। ये विद्यानगरी प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है और वर्तमान काल में भी यहाँ के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। देवी और सुजन लगभग 1300 वर्ष पहले जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को व्यापक लोक संस्कृति तथा तभी प्राप्त हुई जब काशी में आकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते अद्वैत दर्शन की प्रामाणिकता की सिद्धि किया। आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ काशी विद्युत परिषद की स्थापना की गई थी। ये परिषद निरंतर सक्रिय रही है। संस्कृत भाषा में रचित किसी भी शास्त्र के विषय में इस परिषद का निर्णय सर्वमान्य होता है। ऐसे सामाजिक ज्ञान केंद्र की परंपरा के अनुरूप इस विद्यापीठ के आचार्य और विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान के गौरव को निरंतर समृद्धि करना रहना चाहिए। हमारी परंपरा में नैतिकता पर आधारित अर्थ एवं काम के पुरुषार्थ को सिद्ध करने तथा धर्माचरण एवं मोक्ष प्राप्ति की जीवन का ध्येय माना गया है। विद्या से ही धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। आपके विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अश्नुते। ये ध्येय वाक्य ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है।
इस उपनिषद में ये बोध कराया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। व्यावहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की सिद्धि होती है। विद्या पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा की समग्र अवधारणा में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए सक्षम बनाया जाता है और साथ ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार भी डाले जाते हैं। आपके विद्यापीठ में कुलगीत में चीर नवीन और चीर पुराण के संगम का संदेश आपको दिया गया है। नैतिकता, आदर्श, धर्म और मोक्ष जैसे भारतीय आदर्श नूतन और पुरातन के विभाजन से ऊपर है। क्योंकि ये आदर्श सदा से विद्यमान रहे हैं, इसलिए उन्हें चीर पुराण कहा जा सकता है। चीर नवीन की परिधि में विज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की आधुनिकतम धाराएं समाहित हैं। आप सभी विद्यार्थियों को चीर पुराण और चीर नवीन के समन्वय को अपने शिक्षा, आचरण और जीवन में उतारना होगा। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं और जीत करेंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं की है। स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। बेटियों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।